Okay, good morning everyone. Today we are going to do a service costing. Okay. It is a costing method which is applicable to service based industry. जैसे आप लोगों ने पढ़ा है contract costing which is applicable to construction industry. Then you have studied job costing which is applicable to customized industry. Right? जहां पे customer specific product बनता है जैसे interior designer ये लोग एंड देन वी हैव स्टडीड बैच कॉस्टिंग जहां पे प्रोडक्शन बैचेस में होते हैं जैसे शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो गई राइट तो उसी तरीके से सर्विस कॉस्टिंग इज आल्सो कॉस्टिंग मेथड. सबसे पहले समझना पड़ेगा ये क्या है. ये कॉस्टिंग मेथड है. एक होता है कॉस्टिंग टेक्निक. कॉस्टिंग टेक्निक में हम लोगों ने देखा है एक टेक्निक होता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक. एक होता है मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक. अलग अलग टेक्निक्स भी होते हैं. टेक्निक क्या बोलता है. व्हाट कॉस्ट टू बी इंक्लूडेड. व्हाट कॉस्ट टू बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट. तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक बोलता है सारा कॉस्ट को इंक्लूड करो. When you calculate selling price for customer, when you calculate cost for customer, तो उसमें आपको सब कुछ include करना पड़ेगा. Variable भी include करना पड़ेगा, fix भी include करना पड़ेगा. Variable आपको मालूम रहता है कि per customer का order fulfill करने के लिए क्या raw material लगा, कितना labor लगा. तो variable cost is known. Fixed cost is not known on a per customer basis या per unit basis. तो अपन क्या करते हैं उसको average करके include करते हैं. So, absorption costing technique बोलता है कि सारा cost को cost of the product में include करो. Accordingly calculate selling price. Marginal costing technique which Ambani follows. Fixed cost include नहीं होगा, only variable cost will be included. तो ये costing technique हुआ. हम लोग बात करें costing methods का. How costing is done in case of specific industries, right? So we have for construction industry. हम लोग के पास में है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. प्रोसेस बेस्ड इंडस्ट्री जैसे टी कॉफी इन लोग का क्या सीरीज ऑफ प्रोसेसेस होता है. प्रोसेस बेस्ड इंडस्ट्री ऑयल रिफाइनरी ये सब इन सब के लिए प्रोसेस कॉस्टिंग है. इंटीरियर डिजाइनर इनके लिए जॉब कॉस्टिंग है. राइट अलग अलग कॉस्टिंग मेथड्स है. शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इनके लिए बैच कॉस्टिंग है. अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है तो उसके लिए ऑपरेटिंग कॉस्टिंग. सर्विस कॉस्टिंग को हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्टिंग भी बोलते हैं. राइट सो टेक्निक अलग हो गया. टेक्निक होता है कि क्या चीज आपको इंक्लूड करना है. राइट तो इन सब कॉस्टिंग मेथड्स में आप टेक्निक लगा सकते हैं कि चलो इंटीरियर डिजाइनर जनरली कोई लगाता नहीं है. जितने भी कॉस्टिंग मेथड्स आप देख रहे हैं ना इन सारे कॉस्टिंग मेथड्स में जनरली अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग ही लगता है. लेकिन थिंक अबाउट अ सर्विस प्रोवाइडर उबेर ओला. ये लोग जब शुरू में आया तो हैवी डिस्काउंट दे रहा था. भले ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम लोग टैक्सी में जा रहे हैं. ऐसा लग रहा है कि बस का भाड़ा में या नॉर्मल ऑटो रिक्शा का भाड़ा में हम लोग टैक्सी में बैठ रहे हैं वो भी एसी वाला. तो वो लोग क्या क्या इंसान को पहले लत लगाया अपना प्राइसिंग को मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक पे बेस किया. तो जितने भी आप देख रहे हैं स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज दे कैन आइदर फॉलो अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक फॉर प्राइसिंग देयर प्रोडक्ट और सर्विस और दे कैन फॉलो मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक. राइट तो सर्विस प्रोवाइडर कौन हुए. हु आर द सर्विस प्रोवाइडर्स. जैसे कि होटल इंडस्ट्री हॉस्पिटल्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स. राइट देन वी हैव ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री. गवर्नमेंट में तो पैसा नहीं लगता है ना. What they will charge their customers. वो तो free of service है. एक type का NGO activity हो गया ना वो.
क्यों करेंगे कॉस्टिंग? कॉस्टिंग कब किया जाता है? बहुत नॉमिनल चार्ज करते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, कुछ फॉलो ही नहीं करता. फॉलो मैं तब करूंगा ना जब मैं कस्टमर से चार्ज करूंगा कुछ. व्हेन आई एम नॉट चार्जिंग कस्टमर व्हाट विल आई व्हाट विल व्हाट फॉर व्हाट पर्पस आई विल डू कॉस्टिंग. हाँ, मैं इंटरनल कंट्रोल के लिए कर सकता हूँ कि हाँ पर कस्टमर को मैं जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ उसमें मेरे को इतना कॉस्टिंग लग रहा है तो मेरे को इतना फंडिंग रेस करना है. काफी सारी संस्था क्या करते हैं, अभी जैसे मैं ताड़केश्वर गया था तो वहां पे जो जो एनजीओज हैं दे वेर सर्विंग फूड, तो उसमें कोई आदमी आके 11,000 रुपये डोनेशन दिया. तो 11,000 रुपये का डोनेशन दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि वो लोग 200 लोगों को खाना खिलाएगा. तो अगर 1,00,000 रुपए देता तो उसको लोग 2,000 लोगों को खाना खिलाता, क्योंकि उनका कॉस्टिंग किया हुआ है कि एक आदमी को सर्विस प्रोवाइड करने का हमारा इतना खर्चा लगेगा. फॉर दैट पर्पस दे डू कॉस्टिंग टू रेज फंड्स फ्रॉम द पब्लिक, कि भैया हम लोग इस एक्टिविटी में है, इतने लोगों को हम लोग मदद कर रहे हैं, आप करेंगे तो हम लोग ज्यादा लोगों को मदद कर पाएंगे. बट फॉर द पर्पस ऑफ चार्जिंग कस्टमर्स तो होता ही नहीं है ना. सो होटल इंडस्ट्री है, हॉस्पिटल्स है, ट्रांसपोर्ट है, स्कूल बस है, राइट एक्सेट्रा, देर आर लॉट ऑफ अदर सर्विस प्रोवाइडर्स. सो हाउ दे चार्ज देयर कस्टमर्स, दिस इज अवर क्वेश्चन इस चैप्टर में. सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये कॉस्टिंग मेथड किसको अप्लाई करेगा. ये कॉस्टिंग मेथड शू मैन्युफैक्चरिंग को अप्लाई नहीं करेगा, जहां पे बैचेस में बनता है. 7 नंबर का 5,000 पीस, 8 नंबर का कपड़े जब बनते हैं वो भी उसमें भी बैच कॉस्टिंग फॉलो होती है, टी शर्ट वगैरह जब बनता है. हाँ, जनरली जो डिफरेंट साइजेस में जो लोग डील करते हैं ना, सिमिलर आइटम बट इन डिफरेंट साइजेस, वहां पे बैच कॉस्टिंग आप लगा सकते हैं. कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री लोग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग फॉलो करता है. प्रोसेस बेस्ड होगा, ऑयल रिफाइनरी, मिनरल ऑयल, क्रूड ऑयल, ये लोग सब प्रोसेस कॉस्टिंग फॉलो करता है. देन इंटीरियर डिजाइनर, ये लोग जॉब कॉस्टिंग फॉलो करेगा. यहाँ पे कस्टमाइज प्रोडक्ट है, जैसे प्रेस्टो, प्रेस्टो जॉब कॉस्टिंग फॉलो करता है, राइट. एनीवे, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये कॉस्टिंग मेथड किसको अप्लाई करेगा. सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री को करेगा, जो लोग कोई सामान नहीं बेच रहा, जो लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, राइट. यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर क्या है, सर्विस है, गुड्स नहीं है. होटल वाला लोग रहने के लिए कमरा देता है, हॉस्पिटल वाला लोग इलाज कर रहा है, ट्रांसपोर्ट वाला लोग आपको एक जगह से दूसरा जगह पहुंचा रहा है, स्कूल बस वाला लोग आपका बच्चा को लेके आ रहा है, छोड़ के जा रहा है. सो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, देयर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड सर्विस. एंड उसका क्या फी होना चाहिए, उसी का कैलकुलेशन हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे. रेस्टोरेंट का बात ही नहीं हो रहा है, मैं होटल का बात कर रहा हूँ जहां पे रहते हैं हम लोग. नहीं, रेस्टोरेंट में तो फूड वो लोग सेल कर रहा है, तो लोग फूड वो लोग नॉर्मल कॉस्टिंग मेथड फॉलो करेगा. हाँ, जहां पे गुड्स इन्वॉल्व है वहां वो चीज का बारे में नहीं होगा इस चैप्टर में, उस चीज का बात नहीं करेंगे हम लोग. यहाँ पे उसी चीज का बात करेंगे जो स्पेसिफिकली हमारा सर्विस से रिलेटेड है, प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विस से रिलेटेड है, ठीक है. हाँ, तो वो रेस्टोरेंट का उसका कॉस्टिंग अलग से होगा, और होटल्स क्या तुमको गुड्स सप्लाई करेंगे. तो फूडिंग का हिसाब से होगा ना, दैट इज नॉट ऑन डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ पर्सन स्टेइंग इन द रूम. वो तो अब जितना आदमी खाना खाएंगे उसी हिसाब से पैसा लेता है वो लोग. किसमें ऐड किया रहता है, होटल में ऐड कैसे किया रहता है. आप रूम रेंट लिया, 6,000 का कमरा लिया, आप लोग 3 लोग रह रहे हैं, 1,000 रुपए करके आपको 3,000 ऐड करके 9,000 देगा. बुफे टाइप का ही मैं बात कर रहा हूं. जब भी गुड्स इन्वॉल्व होगा उसको वो लोग उसमें बंडल करके दे रहे हैं, सर्विस के साथ वो लोग उसको बंडल करके दे रहे हैं. इसका मतलब नहीं उसका प्राइसिंग इस मेथड से किया जाएगा, उसका प्राइसिंग उस मेथड से होगा, इसका प्राइसिंग इस मेथड से होगा. होटल्स में जब आप कमरा लेते हैं तो उसका प्राइसिंग सर्विस के हिसाब से किया जाएगा, ये मेथड जो मैं आपको सिखाऊंगा. उसके साथ वो लोग फूड सर्विस को बंडल अप करके दे रहे हैं, तो फूड सर्विस आपको रूम वाइज नहीं देगा, फूड सर्विस आपको पर पैसेंजर पर 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 गेस्ट के हिसाब से देगा, राइट. कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स होते हैं उसमें वो लोग बोलता है एक रूम का भाड़ा 25,000. हाउ दे अराइव एट 25,000, उनका सर्विस का प्राइसिंग दे हैव डन सेपरेटली, रूम का प्राइस खाने का प्राइसिंग दे हैव डन सेपरेटली, उसको वो लोग बंडल अप करके तुमको वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं.
इज इट ओके? तो सबसे पहले हम लोग जो सर्विस कॉस्टिंग में हम लोग ये सीखेंगे कि सर्विस प्रोवाइडर किस तरीके से सर्विस प्रोवाइड करता है एंड हाउ दे चार्ज देयर कस्टमर्स. बेसिकली सर्विस इंडस्ट्री में एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी हम लोग प्राइसिंग करेंगे ना, हम लोग प्रोवाइडर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचेंगे, हम लोग को हमेशा रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि रिसीवर उतना ही पैसा देगा जितना सर्विस वो अवेल किया. सपोज करो आप बस को हाथ दिखाया, बस वाला रुका, पूरा बस खाली है, वो आपसे 10 रुपए लेगा टिकट का, क्योंकि जब वो 10 रुपए भाड़ा निकाला तो वो उसमें वो सब कुछ इंक्लूड किया है कि एवरेज में 30 पैसेंजर्स बस में होंगे, उस हिसाब से हम लोग को फेयर कस्टमर को चार्ज करना है. वो ये सोच के 10 रुपया डिटरमाइन नहीं किया है कि पूरा बस भर्ती होगा या तो पूरा बस खाली होगा, एंड ही कैन नॉट चार्ज यू एक्स्ट्रा. नो. सो हम लोग ये सब चीज डिस्कस करेंगे वन बाय वन. तो सबसे पहले आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव समझना पड़ेगा, जो हम लोग का ऑब्जेक्टिव रहता है कि चैप्टर में आप क्या सीखने वाले हैं. डिस्कस द कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड फॉर सर्विस सेक्टर्स. देखो यहां पे प्योरली जो भी बात होगा सब सर्विस सेक्टर का हो रहा है, राइट. जहां पे सप्लाई ऑफ गुड्स का बात होगा वो बात हम लोग यहां नहीं करने वाले हैं. स्टेट द यूनिट यूज्ड इन डिफरेंट सर्विस सेक्टर्स, राइट. जितने भी सर्विस सेक्टर होगा उनका मेथड ऑफ चार्जिंग अलग अलग है. जैसे अगर मैं होटल्स की बात करूं तो लोग रूम रेंट लेता है पर डे के हिसाब से. अगर मैं स्कूल बस की बात करूं तो मंथली पर स्टूडेंट दे चार्ज. अगर मैं ट्रांसपोर्ट की बात करूं, ट्रांसपोर्ट में भी अलग अलग ट्रांसपोर्ट होता है. लेट अस टॉक अबाउट पैसेंजर बस. तो ये जो बस है, सपोज ये बस है, ये ए से लेके बी तक जाएगी. यहां बैठा है हमारा ड्राइवर और इतने सारे लोग बस में बैठे हैं. तो इन सभी को ही लेके जा रहा है. 10 किलोमीटर का फासला है, 20 पैसेंजर बस में बैठा है. ऑन एन एवरेज, क्योंकि स्टॉपेज में कुछ उतरेगा कुछ चढ़ेगा भी, राइट. और बस में देखना फेयर चार्ट लगा रहता है. मान लो बीच में सी में भी बस रुक रहा है, डी में भी रुक रहा है, ई में भी रुक रहा है, तो फेयर चार्ट में आप क्या देखेंगे? ए से सी का भाड़ा इतना, ए से डी का भाड़ा इतना, ए से ई का भाड़ा इतना, ए से बी का भाड़ा इतना. फिर उसमें ऐसा भी रहता है सी से डी का भाड़ा इतना, सी से ई का भाड़ा इतना, सी से बी का भाड़ा इतना. इस टाइप से पूरा फेयर चार्ट बनाया हुआ रहता है. तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री क्या करती है, सब आदमी से पैसा उठाएगी एंड जो जितना किलोमीटर ट्रैवल करेगा उस हिसाब से पैसा उठाएगी. तो यहां पे इट्स अ मिक्सचर ऑफ टू यूनिट्स, नीदर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पैसेंजर. अगर आप लोग सूर्य बंसम देखे होंगे, राइट, उसमें बोलता है यहां तक जाने का 2 रुपया, लेकिन अगर आप वहां तक जाएंगे तो 20 रुपया, और आके वापस जाके अगर आएंगे तो 40 रुपया. ऐसा करके वो लोग, मूवी में एक सीन था जब अमिताभ बच्चन बस सर्विस स्टार्ट करता है. तो क्या एक ही आदमी से पैसा लिया? नहीं, सबसे लिया पहला बात. तो दूसरा बात, जितना किलोमीटर ट्रैवल किया उस हिसाब से भाड़ा चेंज हुआ. तो यहां पे इट्स अ मिक्सचर ऑफ टू, पैसेंजर एज वेल एज किलोमीटर. तो इसको अपने बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पैसेंजर किलोमीटर, इट्स अ मिक्सचर ऑफ टू यूनिट्स. मूवी सूर्यवंशम, सेट मैक्स का सबसे टॉप मूवी है ये. ये मूवी देखना आपको समझ में आ जाएगा व्हाई इट्स अ मिक्सचर ऑफ टू यूनिट्स. जितना लोग बस में बैठा था सबसे भाड़ा लिया गया है, जो जितना किलोमीटर ट्रैवल, झुमड़ी तलैया का इतना रुपया उसका यहां तक, ऐसा करके कुछ एक था.
यहां पर भी देखिए ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ रूम्स ऑक्युपाइड पर डे, ऑन द बेसिस ऑफ डेज, जो तो एक आदमी बस में बैठ जाएगा और वो लास्ट में उतरेगा वो भी उतना ही रुपया देगा, एक आदमी बैठा जो बगल में उतर गया वो भी उतना ही रुपया देगा, ऐसे नहीं होता। स्कूल बस में भी अलग अलग टाइप का स्टूडेंट होता है, अप टू 4 किलोमीटर, अप टू 8 किलोमीटर, अप टू 16 किलोमीटर, सबका मंथली चार्ज अलग अलग होता है। होटल में भी स्वीट होता है, डिलक्स होता है, सिंगल होता है, राइट, अलग अलग टाइप का कैटेगरी ऑफ रूम रहता है, सबका भाड़ा अलग अलग रहता है, नॉन एसी रहता है, एसी रहता है, वहां पे रूम्स में भी अलग अलग टाइप का कैटेगरी रहता है, सूट रूम, एग्जीक्यूटिव, डिलक्स, राइट। स्टेट द केपीआईज यूज्ड इन डिफरेंट सर्विस सेक्टर, देखिए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है ना, हर सर्विस सेक्टर का कुछ कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं। जैसे अगर मैं एयरलाइन की बात करूं तो अराइवल ऑन टाइम, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करूं तो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, राइट। तो ये की परफॉर्मेंस इंडिकेटर फाइनेंशियल भी होते हैं, नॉन फाइनेंशियल भी होते हैं, हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, राइट। तो स्टेट द केपीआई इन डिफरेंट सर्विस सेक्टर, और डिफरेंट सर्विस सेक्टर के क्या क्या कॉस्ट होते हैं। अब जैसे परमिट फी है, ये तो बस के केस में ही लगेगा, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में ही, परमिट फी तो होटल में नहीं लगेगा, होटल में और कोई लाइसेंस लगेगा, गॉट माय पॉइंट। 10:30 बजे तो अच्छा ठीक, राइट। तो ये सारी बातें हम लोग करेंगे, तो पहले हम लोग को लर्निंग ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया, राइट। डिस्कस द कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड फॉर सर्विस सेक्टर्स, हम लोग यहां पे सर्विस सेक्टर का बात करेंगे, क्या क्या यूनिट्स यूज्ड होगा। तो हियर यू विल फाइंड अ मिक्सचर ऑफ टू, उसको हम लोग कॉम्पोजिट यूनिट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट यूनिट। एंड व्हाट आर द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स यूज इन सर्विस इंडस्ट्री, एंड हर इंडस्ट्री का अलग अलग कॉस्ट होता है। जैसे पेट्रोल, होटल को चलाने के लिए पेट्रोल कॉस्ट थोड़ी लगेगा, लेकिन बस को चलाने के लिए पेट्रोल कॉस्ट लगेगा, टैक्सी को चलाने के लिए लगेगा, प्लेन को चलाने में लगेगा। तो हर सर्विस सेक्टर का कॉस्टिंग भी अलग अलग होता है, कॉस्ट भी, नेचर ऑफ कॉस्ट भी अलग अलग होता है, तो वो सब चीज के बारे में हम लोग समझ लेंगे, राइट। आइए, सबसे पहले आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। अभी आप देखिए चैप्टर का पूरा सिनॉप्सिस दिया हुआ है, राइट। क्या क्या चीज इसमें कवर किया जाएगा पूरा डिटेल में आप लोगों को बताया है। सबसे पहले सर्विस कॉस्टिंग किसको अप्लाई करेगा, मैंने बोल दिया ऑलरेडी, सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री को अप्लाई करेगा। सर्विस कॉस्टिंग वर्सेस प्रोडक्ट कॉस्टिंग, प्रोडक्ट कॉस्टिंग जनरली प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि भैया मैंने इतना प्रोड्यूस कर लिया है, उस हिसाब से हमारा सेलिंग प्राइस ये होना चाहिए। लेकिन यहां पे सर्विस कॉस्टिंग में कहीं ना कहीं रेसिपिएंट इज मोर इंपॉर्टेंट, रेसिपिएंट इज मोर इंपॉर्टेंट। मेथड्स ऑफ असर्टेनिंग सर्विस कॉस्ट यूनिट, कॉम्पोजिट यूनिट, जैसे पैसेंजर किलोमीटर हुआ, और एक होता है इक्विवेलेंट यूनिट, जैसे अलग अलग टाइप का रूम रेंट है। सपोज करो डीलक्स का हम एक्स लेते हैं,
एग्जीक्यूटिव का हम 2x ले रहे हैं और सूट का हम 4 गुना ले रहे हैं, तो सबको एग्जीक्यूटिव को इक्विवेलेंट डीलक्स में कन्वर्ट करेंगे, सूट को भी इक्विवेलेंट डीलक्स में कन्वर्ट करेंगे, सबका बेस को सेम करेंगे। उसके बाद रूम रेंट डीलक्स का आएगा, उसको फिर डबल कर देंगे तो वो एग्जीक्यूटिव का हो जाएगा, उसको 4 गुना कर देंगे तो वो सूट का हो जाएगा, राइट। स्कूल बस में भी क्या होगा, ये तो होटल का बात किया मैंने, स्कूल बस में भी सेम चीज होगा। कुछ कुछ लोग 4 किलोमीटर में उतर जाएंगे तो उससे मैं 25% फी ले रहा हूं, 8 किलोमीटर वाले से मैं 50% फी ले रहा हूं, और 16 किलोमीटर वाले से मैं पूरा 100% फी ले रहा हूं। तो मान लो इसमें 50 बच्चे हैं, मान लो इसमें 60 बच्चे हैं, इस कैटेगरी में भी 60 हैं, इसमें भी 60 हैं, तो हिसाब से देखा जाए तो 180 बच्चा हुआ, लेकिन 180 बच्चा तो पूरा फी दे नहीं रहा है, तो 60 बच्चा जो 25% फी दे रहा है, तो मैं बोल सकता हूं 15 बच्चा पूरा फीस दे रहा है इक्विवेलेंट बेसिस पे, हर आदमी 1/4 फीस दे रहा है, तो 4 आदमी का मिलाएंगे तो पूरा हो जाएगा, तो ऐसा 15 बच्चा होने से हो जाएगा प्लस। साठ बच्चा लोग आधा आधा दे रहा है, इसका मतलब 30 बच्चा पूरा दे रहा है, और 60 बच्चा पूरा दे रहा है, मतलब 60 बच्चा पूरा दे रहा है, तो हिसाब से 105 स्टूडेंट्स होगा इक्विवेलेंट फुल फी पेइंग स्टूडेंट। तो हमारा जो मंथली चार्ज आएगा वो फुल फी वाले का आएगा, उसको आधा कर देंगे तो 8 किलोमीटर वाले का आ जाएगा, और आधा कर देंगे तो 4 किलोमीटर वाले का मंथली फीस आ जाएगा। तो जरूरी नहीं हर जगह कॉम्पोजिट यूज होगा, कुछ कुछ जगह इक्विवेलेंट भी यूज होता है। सर्विस कॉस्ट स्टेटमेंट, जितना भी डिफरेंट इंडस्ट्री उसका कॉस्ट का एनालिसिस करेंगे और सर्विस कॉस्ट स्टेटमेंट बनाएंगे, वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट, और अगर मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक बोला है तो ओनली वेरिएबल कॉस्ट विल बी कंसिडर्ड। हम लोग इस चैप्टर में इतना चीज का सीखेंगे, राइट, इन सब का हम लोग सीखने वाले हैं। मैंने ऑलरेडी बता दिया सर्विस कॉस्टिंग को ऑपरेटिंग कॉस्टिंग भी बोला जाता है, इसका प्राइसिंग करना बहुत जरूरी है क्योंकि बाजार में कंपटीशन आ गया। अब कम होटल्स थोड़ी है, JW मैरियट है, ITC है, ताज है, हयात है, राइट, महिंद्रा है, हाईली कॉम्पिटिटिव। एप्लीकेशन मैंने बताया ना, सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री, जो भी इंडस्ट्री में सर्विस प्रोवाइड हो रही है वहां पे ये वाला चीज हम लोग अप्लाई करेंगे। एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। जैसे सपोज करो मेरा कोई बॉयलर हाउस है या कोल्ड स्टोरेज प्लांट है, तो ये जो मैंने सेटअप किया तो मैंने खुद को सर्विस देने के लिए किया है ना, तो बॉयलर हाउस का जो भी कॉस्ट है वो तुम्हारा मेन प्रोडक्ट का कॉस्टिंग में आना चाहिए, बॉयलर हाउस या पंप हाउस। हमारे बिल्डिंग में फायर का पूरा सेटअप किया गया है, तो फायर का सेटअप करने के लिए एक पंप हाउस बनाया गया है, तो पंप हाउस को ऑपरेट करने का जो भी कॉस्ट है वो फायर एक्सटिंग्विशिंग सर्विस में ऐड हुआ है। देखो
in-house service provided by one cost center to another responsibility cost center as support service. हॉस्पिटल में अगर देखेंगे ना, कैंटीन जनरली दो होता है, या अगर एक भी कैंटीन है तो उसमें दो टाइप का सर्विस प्रोवाइड होता है, एक एक्सटर्नल पेशेंट लोग को और एक इंटरनल डॉक्टर्स एंड नर्सेस एंड स्टाफ को। तो डॉक्टर नर्सेस एंड स्टाफ क्या करते हैं, एक रजिस्टर मेंटेन रहता है, उसमें साइन करता है, खाना लेके चला जाता है। तो यहां पे जो मैंने कैंटीन डिपार्टमेंट का एस्टेब्लिशमेंट किया है, क्या इंटरनल के लिए किया है कि एक्सटर्नल? इंटरनल के लिए किया है, हालांकि एक्सटर्नल भी होता है बट मेनली इंटरनल है। ये सारे इंटरनल सर्विस डिपार्टमेंट के एग्जांपल्स हैं। पढ़ सकते हैं आप, लॉरी वाला लोग क्या करता है, गुड्स को ट्रांसपोर्ट कराता है एक जगह से दूसरा जगह। अभी क्या है, मेरे पास भी 10 लॉरी है, उसे क्या होता है, मैं अपना प्रोडक्शन साइट से अपना रिटेल आउटलेट्स में माल भेजाता हूं, उससे माल बना, उनका काम यही है, यहां से माल उठाएगा, मेरा रिटेल आउटलेट में जाके माल पहुंचाएगा। कभी किसी मिठाई दुकान में खड़े हो जाओ, मिठाई वहां नहीं बनती है, उनकी फैक्ट्री में बनती है, छोटे छोटे व्हीकल्स में दे ब्रिंग द मिठाई। तो वो व्हीकल क्या सर्विस प्रोवाइड करने में यूज हो रहा है, हाँ, इंटरनल की एक्सटर्नल? इंटरनल। तो उसका जो सर्विस प्रोवाइड करने का जो खर्चा लग रहा है वो तो मिठाई का कॉस्ट में ऐड होगा ना, सपोर्ट सर्विस बोल के। एंड ओवरहेड चैप्टर में तुम लोग देखा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज टेकिंग सर्विस फ्रॉम द सपोर्ट डिपार्टमेंट, एंड सपोर्ट डिपार्टमेंट का हम पहले टोटल खर्चा निकालते हैं, एंड उसको फिर किस तरीके से मैं प्रोडक्शन में बांटता हूं, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन रेसिप्रोकल मेथड, स्टेप डाउन मेथड एंड रेसिप्रोकल मेथड। रेसिप्रोकल में भी दो होता है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन एंड साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। रेफर ओवरहेड चैप्टर। अब मैं एक्सटर्नल को भी सर्विस दे रहा हूं, मेरा मुद्दा है प्रॉफिट कमाने का। इसमें कॉस्ट को एक्यूमुलेट किया जाता है, मतलब ऐड किया जाता है, कॉस्ट फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस, इसमें मैं प्रॉफिट ऐड करूंगा, हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, ये सारी बातें हमने कर दी हैं, आपको उतना माथा लगाने का कोई दरकार नहीं है, राइट? सो ये आपको समझ में आया, सर्विस बेस इंडस्ट्री को अप्लाई करेगा, इंटरनल एक्सटर्नल। सबसे पहला बात, सर्विस में इन्वेंटरी नहीं होता है, इसलिए यहां पे रेसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाता है कि क्या मैं सर्विस प्रोवाइड करूंगा। यहां पे प्रोडक्ट कॉस्टिंग में प्रोड्यूसर क्या प्रोड्यूस किया उस हिसाब से हमारा कॉस्टिंग आता है, इसलिए वहां पे लेफ्ट ओवर स्टॉक भी बचता है। प्रोड्यूसर माइनस लेफ्ट ओवर, इसी को क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंटरी बोला जाता है, समझ गया ना?
यहां पे कॉम्पोजिट यूनिट यूज होगा और इक्विवेलेंट यूनिट, बस का कैपेसिटी है 50 पैसेंजर का, कभी भी फुल नहीं दौड़ेगा, फुल दौड़ेगा लेकिन मैं जब प्राइसिंग करूंगा मैं ये सोच के नहीं करूंगा कि मेरे बस में ही पैसेंजर बैठेंगे, तो मैं क्या मानूंगा 80% ऑक्यूपेंसी होगा, तो मैं जो भी प्राइसिंग करूंगा वो 80% ऑक्यूपेंसी मान के करूंगा। इसलिए मैं बोलता हूं रेसिपिएंट इज मोर इंपॉर्टेंट। है 50 पैसेंजर बैठने का कैपेसिटी, राइट, बट मैंने क्या किया, नो ओनली 80%, दैट इज 40 पैसेंजर्स के बेसिस पे कॉस्टिंग की जाएगी, उसी हिसाब से हमारा भाड़ा आएगा। यहां पे लेबर कॉस्ट मेन एलिमेंट होता है सर्विस में, हालांकि जैसे नॉर्मल प्रोडक्ट कॉस्टिंग में मटेरियल कॉस्ट मेन होता है, बट यहां पे सर्विस ह्यूमन लेबर इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम तो गुड्स तो बेच नहीं रहे। हाँ, कुछ कुछ कंज्यूमेबल आइटम्स जरूर होते हैं, जैसे होटल वाला लोग जब जाते हैं हम लोग तो रूम में कॉफी का सैशेट पड़ा रहता है, शैंपू साबुन तेल ये सब पड़ा रहता है, राइट, तो ये सब कंज्यूमेबल आइटम्स हैं। सर्विस प्रोवाइड करने में हमको एक कंज्यूमेबल आइटम्स यूज हो सकता है, बट वो मैं बेच नहीं रहा हूं, दे आर नॉट सेलिंग दोज कंज्यूमेबल आइटम्स, दे आर टेलिंग अस टू यूज, जिसे कि सर्विस अच्छा प्रोवाइड, दो पानी का बॉटल रख देता है तो क्या पानी का बॉटल थोड़ी बेच रहा है हमको, उनका मेन मेन मकसद क्या, आईटीसी में बैठ के पानी पिएंगे नहीं, रूम में रहेंगे प्यास लगा तो पानी पिएंगे, राइट। ट्रेसिबिलिटी ऑफ कॉस्ट हेविली डिपेंड्स ऑन सपोर्ट सर्विसेस, यहां पे मेन सपोर्ट सर्विस का कहानी है, राइट, तो मैक्सिमम कॉस्ट सारे इनडायरेक्ट होते हैं। क्लियर, सो दोनों का कॉस्टिंग अलग अलग तरीके से होता है, दोनों में की एलिमेंट्स अलग अलग हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मटेरियल इज द की एलिमेंट, बट इधर में लेबर इज द की एलिमेंट। ये सब चीज आपको अगर याद रहेगा ना तो आप ऑटोमेटिकली आप देखेंगे यार सर्विस कॉस्टिंग कर रहे हैं इसमें तो मटेरियल कॉस्ट होगा नहीं, हाँ कंज्यूमेबल आइटम्स हो सकता है, राइट। सर्विस कॉस्ट यूनिट के बारे में क्या ही बताऊं, मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी, राइट, इक्विवेलेंट होता है और कॉम्पोजिट होता है। तो यहाँ पे अलग अलग कॉस्टिंग इंडस्ट्री का दिया हुआ है, जैसे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में आपका हो गया पैसेंजर किलोमीटर, लॉरी वगैरह होगा तो टन किलोमीटर, इलेक्ट्रिसिटी वाला लोग क्या रखता है पर किलोवाट आवर, कितना आपने बिजली यूज किया। देखो इलेक्ट्रिसिटी बिल के पीछे में ना रहता है, अगर आपका एक से लेके 99 किलोवाट आवर तक यूज होगा देन आपको 9 रुपया पर यूनिट देना पड़ेगा, इस तरीके से वो लोग देता है। 100 से लेके 199 रहेगा तो आपको चार्ज लगेगा 10 रुपये पर यूनिट, इस तरीके से वो लोग बताता है कितना यूनिट आप कंज्यूम करेंगे, कितना यूनिट ऑफ बिजली आपने कंज्यूम किया है, राइट। हॉस्पिटल्स, दिस इज पेशेंट पर डे, रूम पर डे, जैसे होटल वाला लोग भी यही है। कैंटीन इंटरनल, सिनेमा हॉल्स पर टिकट, सिनेमा हॉल्स में भी नंबर ऑफ शोज इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे होटल में एक आदमी को एक ही दिन में एक ही आदमी को रूम मिलेगा, कोई अगर जल्दी चेकआउट करके चला गया तो वो रूम हम किसी और के लिए अवेलेबल कर सकते, बट ऐसा है क्या कि आज सुबह चेक इन किया तो 2 बजे तक छोड़ो 2 बजे दूसरा आदमी आएगा, नहीं ऐसा नहीं है, शो में ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शोज इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ डेज इंपॉर्टेंट नहीं है, नंबर ऑफ डेज भी इंपॉर्टेंट है बट नंबर ऑफ शो इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। होटल्स में देखिए रूम डेज, बैंक जो एटीएम का जो चार्जेस लेता है, बैंकिंग सर्विस जो होती है
पर चेकबुक आपको इतना चार्ज लगेगा, पर एनुअल चार्ज डेबिट कार्ड का इतना है, पर ट्रांजैक्शन एटीएम विड्रॉल का इतना है, तो राइट इस तरीके से। एडुकेशनल कोर्स में आपका पर स्टूडेंट, पर कोर्स, पर ईयर इस तरीके से लेते हैं वो लोग। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर मैंने क्या बोला था आपको अभी थोड़े देर पहले बताइए तो, मैंने क्या बोला था बोलिए। क्वांटिटेटिव भी होता है, क्वालिटेटिव भी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गेस्ट का फीडबैक क्या है, व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज आर वी गोइंग टू प्रोवाइड, रूम का क्लीनिनेस कितना अच्छा है, होटल्स की बात कर रहा हूं, फ्लाइट डिले हुआ कि नहीं, फ्लाइट टाइम से पहुंचा कि नहीं, स्मूथ चेक इन चेकआउट हुआ कि नहीं, तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्विस इंडस्ट्रीज। हालांकि फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज दे ओनली नीड टू फोकस ऑन द क्वालिटी पार्ट, लेकिन डिफरेंट सर्विस इंडस्ट्री का केपीआई कैन बी डिफरेंट। इससे देखो यहां पे लिखा हुआ क्या था, क्लियरली दे हैव मेंशनड हियर, स्टेट द केपीआई इज यूज्ड इन डिफरेंट सर्विस सेक्टर। राइट, तो ये क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल भी हो सकते हैं। जैसे कि आपका कॉस्ट पर सर्विस कितना कम है ना, कॉस्ट पर सर्विस कम करने का चक्कर में आपने क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। जितना ज्यादा आप सर्विस ऐड करेंगे ना, जितना ज्यादा फीचर ऐड करेंगे, आपका खर्चा लगता है। राइट, तो यहां पे देखिए दिया हुआ है, अगर मैं होटल इंडस्ट्री की बात करूं, मैंने बोला ना कॉस्ट पर ऑक्यूपाइड रूम आपका क्या लग रहा है, आपका ऑक्यूपेंसी रेट क्या है। एक होटल का ऑक्यूपेंसी रेट 40% है, एक का 70%, इसका मतलब क्या है, मेरा कॉम्पिटिटर का रूम ज्यादा ऑक्यूपाइड हो रहा है, उसके कस्टमर्स ज्यादा सेटिस्फाई हो रहे हैं, मेरा 40% है ऑक्यूपेंसी, ऑक्यूपेंसी होता है कि कितना रूम मेरा भाड़ा खट रहा है, तो मेरा 40% खट रहा है और मेरा कॉम्पिटिटर का ऑक्यूपेंसी 70% है, तो किसका रूम ज्यादा भाड़ा लग रहा है, कॉम्पिटिटर का ज्यादा लग रहा है ना, मेरा ऑक्यूपेंसी रेट कम क्यों है, देर मस्ट बी सम प्रॉब्लम, मे बी आई एम नॉट एबल टू प्रोवाइड दैट सर्विस। राइट, तो ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कॉस्ट क्या लग रहा है मेरा, ऑक्यूपेंसी रेट क्या है, रेवेन्यू कितना आ रहा है मेरा पर रूम, ये सारे क्वांटिटेटिव, ये जैसे हो गया तुम्हारा क्वालिटेटिव। ये तुम्हारा हो गया क्वालिटेटिव केपीआई।
और ये वाला हो गया क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव, और ये वाला भी क्वांटिटेटिव हो गया। हॉस्पिटल्स में आप घंटी, पेशेंट बेड में है, आप देखते होंगे पूरा फ्लोर में 5-6 नर्स है, 20-25 पेशेंट संभाल रही है वो लोग। हम लोग बार बार घंटी बजाते हैं, इसीलिए आप विश्वास नहीं करेंगे, साउथ के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं साउथ इंडिया में, सब में एक आदमी को रहना मैंडेटरी है। अगर मैं हर एक पेशेंट के पीछे हर एक एक अटेंडेंट लगा दूं, एक एक नर्स छोड़ दूं, तो दरकार ही नहीं ना घर वालों का रहने का। लेकिन उनका मानना है कि बेसिक जो सर्विसेज हैं, पेशेंट को खाना खिलाना, पेशेंट को वॉशरूम लेके जाना, ये सब घर वाले भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत ख्याल वो भी रख सकते हैं, और वो हमारे नर्स से ज्यादा अच्छा ख्याल रखेंगे क्योंकि उनका अपना पेशेंट भर्ती है। इस सोच से जनरल बेड हो, एसी बेड हो, नॉन एसी हो, एक अटेंडेंट इज मस्ट। हमारे कैलकटा में कोई भी हॉस्पिटल में ऐसा नियम नहीं है, खाली आप सिंगल रूम रहेंगे, सिंगल रूम अगर आप लेंगे तो ही आप अटेंडेंट को छोड़ सकते हैं, ट्विन जनरल वार्ड में आप नहीं छोड़ सकते। बाकी सारे हॉस्पिटल्स में साउथ कैलकटा में जनरल बेड में भी एक अटेंडेंट इज मस्ट। स्टाफ टू पेशेंट रेशियो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन दिस इज क्वालिटेटिव। बेड ऑक्यूपेंसी, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में बेड ऑक्यूपेंसी 100% होता है। ये भी क्वालिटेटिव हो गया, दिस इज क्वांटिटेटिव, एवरेज ट्रीटमेंट कॉस्ट। राइट अगर मैं एजुकेशन सेक्टर की, देखो सारा तो कराना पॉसिबल नहीं है, स्टूडेंट टू फैकल्टी रेशियो वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कॉलेज में एसोसिएटेड हूं तो मेरे को ये सब चीज के बारे में थोड़ा ज्यादा नॉलेज है, एक स्टूडेंट, एक टीचर कितने स्टूडेंट को हैंडल कर रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। छोटे क्लास में देखिएगा, जैसे मेरे बच्चे के क्लास में, एक क्लास में 20 बच्चे हैं और दो टीचर होती हैं, फुल केयर, फुल केयर, इसीलिए 2 लाख रुपए चार्ज करता है वो लोग। सरकारी स्कूल में पूरा 10 टीचर मिलके पूरा स्कूल चला रहा है, पॉइंट वो नहीं है। मैं जितना सर्विस ऐड करूंगा उसका कॉस्ट है। सरकारी स्कूल में एक दरवान होता है, कोई प्राइवेट स्कूल में चले जाइए 40-50 दरवान है, सिक्योरिटी गार्ड, बॉडी गार्ड्स। तो स्टूडेंट टू फैकल्टी रेशियो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस है, यूजीसी है, एनआरआईएफ है, इनका एक सर्टेन क्राइटेरिया होता है,
इनका रैंकिंग होता है, वो लोग कॉलेज को रैंक करते हैं, यू आर द नंबर वन, यू आर नंबर टू, तो उसमें ये सारे रेशियोज इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगेन ये क्वालिटेटिव हो गया, और ये तीनों क्वांटिटेटिव हो गया। राइट, अदर सेक्टर्स के भी हैं। अब जैसे आप ट्रांसपोर्टेशन का देखिए, नंबर ऑफ शिपमेंट कितना हो रहा है, ट्रक का टर्नओवर टाइम। बहुत लोग क्या करता है, लॉरी वाला लोग जानबूझ के खड़ा कर देता है गाड़ी, 2-3 घंटा आराम कर लेता है। ऑन टाइम डिलीवरी हुआ कि नहीं, तो ये क्वालिटेटिव हो गया ना। इससे क्या आपको जल्दी ऑर्डर मिलेगा। अब हम लोग भी अपने बच्चों को डीटीडीसी के थ्रू कोरियर भेजते हैं, बुक स्टडी मटेरियल, बाहर वाले बच्चों को, उसका सर्विस बढ़िया है, टाइम से पहुंचा देता है, अच्छा बात है, हम लोग भी हैप्पी हैं। अगर वही पार्सल ठीक से नहीं पहुंचे, गुड्स डिलीवर नहीं हो, रास्ते में चोरी हो जाए, आजकल तो डिक्लेरेशन लिखाने लग गया कोरियर के ऊपर में कि इसमें कितने रुपए का सामान है। राइट, सो ये की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जस्ट टू एनहैंस योर बिजनेस। आपको इन सब चीजों पे वर्क करना पड़ेगा। तो ये जो केपीआई, जो क्वांटिटेटिव केपीआई है ना, वो इस चैप्टर का मुद्दा है कि एवरेज कॉस्ट कितना लगेगा, अकॉर्डिंगली मेरा सेलिंग प्राइस आएगा। सो दैट इज माइट बी आवर सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्कशन, बट क्वालिटेटिव के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। ये जो केपीआईज बोला गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कॉस्ट पर ऑक्यूपाइड रूम, इस पे मैं अगर अपना भूख ऐड कर दूं, प्रॉफिट मार्जिन, सो ऑटोमेटिकली मेरे को मालूम चल जाएगा। राइट, चलिए, तो ये सब इजी है। मेथड्स फॉर असर्टेनिंग सर्विस कॉस्ट यूनिट, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। राइट, वी विल टॉक अबाउट इट, बट हम लोग ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से शुरू नहीं करेंगे, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री विल बी कवर्ड सेपरेटली। सो हम लोग अभी अदर देन ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री वी विल गो फॉर, ये ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, ये इक्विवेलेंट बोला है, जैसे जस्ट आइए, सर्विस सेक्टर्स के क्या क्या कॉस्ट होते हैं, मैंने बोला ना, फिक्स, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल। तो जो भी सर्विस मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, राइट, उसका जो भी यूनिट है, उस हिसाब से मैं चेक करूंगा कि ये फिक्स्ड है, वेरिएबल है कि सेमी वेरिएबल है। राइट, नॉर्मल गुड्स के केस में तो ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स चेक करते हैं अपन, लेकिन यहां पे सर्विस किस बेसिस पे चार्ज किया जा रहा है कस्टमर से, उसके बेसिस पे हम लोग डिटरमाइन करेंगे कि फिक्स है, वेरिएबल है कि सेमी वेरिएबल। मैं जस्ट आपको एक सिंपल सा चीज बताता हूं, अगर मान लो मैं रेंट की बात करूं, नहीं मैंने तो बोला नहीं एक्स एक्सिस में क्या है, अगर मैं नीचे टाइम रख दूं, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, तो तुम लोग क्या करोगे, ऐसे बनाओगे, 1 महीने का भाड़ा 10,000, 2 महीने का भाड़ा 20,000, 3 महीने का भाड़ा 30,000, 4 महीने का भाड़ा 40,000।
टाइम के बेसिस पे तो रेंट वेरिएबल ही है, लेकिन अगर मैं बात करूं रेंट का और यहां पे यूनिट रख दूं, तो एक यूनिट बनाओ, दो बनाओ, तीन बनाओ, चार बनाओ, सौ बनाओ, भाड़ा इतना ही लगने का है। इसको हम लोग बोलते हैं बिहेवियर वाइज क्लासिफिकेशन। कॉस्ट का कैसा बिहेवियर है उस हिसाब से इसका क्लासिफाई करेंगे। ये अलग अलग टाइप का एक्सप्लेनेशन दिया है इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन का। राइट, अभी एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग मेथड इन सर्विस कॉस्टिंग मैंने बता ही दिया है। सो ये वाला हम लोग अलग से कवर करेंगे, टू बी कवर्ड सेपरेटली। ठीक है, इसको हम लोग, इसलिए हम लोग उधर में कॉम्पोजिट यूनिट छोड़ दिया था, तो ये हम लोग अलग से कवर करेंगे। लेट अस डू अदर देन ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, जस्ट हैव अ लुक। चलिए लेट अस टॉक अबाउट होटल एंड लॉजेस। तो मैंने बोला था ना यहां पे कॉस्ट यूनिट दो टाइप का होता है। कॉस्ट यूनिट कितने टाइप का होता है बताओ? अगर हम कॉस्ट यूनिट की बात करें तो एक हमारा कॉम्पोजिट होता है और एक हमारा इक्विवेलेंट होता है। तो यहां पे इक्विवेलेंट यूज होगा सबसे पहला बात। क्लियर, इधर में हम लोग इक्विवेलेंट यूज करेंगे। अलग अलग कैटेगरी का रूम रहेगा। सपोज करो हमारे पास 100 स्टैंडर्ड रूम है, फिर हमारे पास 200 डीलक्स रूम्स है, और फिर हमारे पास 400 सूट रूम्स है। इसका फेयर इससे दुगना है और इसका फेयर डीलक्स का दुगना है। डीलक्स का दुगना मतलब 4x हो गया। क्वेश्चन में ऐसा लैंग्वेज बोलेगा। राइट, रूम रेंट ऑफ डिलक्स इज ट्वाइस ऑफ स्टैंडर्ड एंड रूम रेंट ऑफ सूट इज ट्वाइस ऑफ डिलक्स। तो इसको एक्स लेंगे तो इसका 2x, इसका 4x हो गया। अभी हमको निकालना है इक्विवेलेंट नंबर ऑफ स्टैंडर्ड रूम्स। 100 स्टैंडर्ड रूम मतलब 100 रूम्स है ना, 200 डीलक्स रूम मतलब 400 स्टैंडर्ड रूम, डबल है ना, एक डीलक्स मतलब दो स्टैंडर्ड और 400 सूट रूम मतलब
1600 स्टैंडर्ड रूम, एक का चार गुना है तो 400 का 1600, सो इक्विवेलेंट नंबर ऑफ स्टैंडर्ड रूम होगा 2100। समझा? अभी हमने इसमें 100% ऑक्यूपेंसी माना है। अगर बोलता ऑक्यूपेंसी 80%, तो पहले नंबर ऑफ रूम्स ऑक्यूपाइड निकालते फिर इक्विवेलेंट निकालते हैं। हाँ, और फिर जो भी आएगा इसको 365 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि रूम डेज चाहिए, ये तो रूम्स आया है। पढ़िए, चलिए, लेट अस डू इलस्ट्रेशन 6। जस्ट रीड वंस। कंपनी रन्स ए हॉलिडे होम, फॉर दिस पर्पस इट हैज हायर्ड अ बिल्डिंग एट अ रेंट ऑफ 10,000 पर मंथ। ठीक है, तो भाड़ा हो गया मेरा 1,20,000 पूरे साल का, और जो लैंडलॉर्ड है उसको 5% ऑफ टेकिंग्स, मतलब रेवेन्यू का 5% मैं दूंगा कमीशन, राइट? इट हैज थ्री टाइप्स ऑफ सूट्स फॉर कस्टमर, सिंगल रूम, डबल रूम, ट्रिपल रूम। तो अगर मैं यहां पे बनाऊं नंबर ऑफ रूम्स ऑक्यूपाइड, क्योंकि यहां पे ऑक्यूपेंसी रेट दिया हुआ है, अच्छा एग्जाम में कहीं भी ऑफ सीजन पीक सीजन करके दे सकता है दो कैटेगरी में, तो उसका अलग अलग कर लेंगे, 6 महीने का ऑफ सीजन, 6 महीने का, जैसे भी बोलेगा क्वेश्चन में। तो 100 सिंगल रूम 100% ऑक्यूपेंसी मतलब 100 रूम, 50 डबल रूम 80% ऑक्यूपेंसी मतलब 40। अभी डेज नहीं कर रहे, एक एक करके करेंगे ना,
पहले इक्विवेलेंट नंबर ऑफ रूम्स निकालेंगे, फिर उसको डे से मल्टीप्लाई करेंगे। 30 ट्रिपल रूम मतलब 18 ट्रिपल रूम, अभी इक्विवेलेंट नहीं आया, अभी खाली ऑक्यूपेंसी से मल्टीप्लाई होकर नंबर ऑफ रूम्स ऑक्यूपाइड आया है। मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन, रेंट ऑफ डबल रूम 2.5 गुना है सिंगल का, 2.5x अगर इसको मैं x पकड़ता हूं तो, और ट्रिपल का इसका 2 गुना है 5x। इक्विवेलेंट में यू कैन नॉट हैव टू बेस, यू नीड टू हैव ओनली 1 बेस। पूरा साल का कॉस्ट दे दिया, देखो फाइनेंशियल ईयर, ट्वेंटी% प्रॉफिट चाहिए तो मैं बोल सकता हूं कमीशन प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 25% ऑफ रेवेन्यू, ये 5% है, ये 20% है, है ना? तो क्या मैं बोल सकता हूं ये जो भी कॉस्ट को मैं ऐड करूंगा दिस इज 75% ऑफ रेवेन्यू। क्लियर? आइए क्वेश्चन नंबर कितना था, इलस्ट्रेशन 6। इज इट ओके? नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट नंबर ऑफ सिंगल रूम्स ठीक है। कैटेगरी नंबर ऑफ रूम्स ऑक्यूपाइड रेशियो एंड देन इक्विवेलेंट नंबर ऑफ सिंगल रूम। सिंगल डबल है कि डिलक्स है? डबल सो 50 30 तो सो ही आएगा, 2.5x है तो ये 2.5x है और ये 5x है, सो ये 100 ही होगा, ये 100 होगा, ये 90 होगा। इक्विवेलेंट नंबर ऑफ सिंगल रूम डेज आ गया, रूम आ गया सॉरी, सिंगल रूम डेज नहीं आया। अब हम लोग निकालेंगे इक्विवेलेंट नंबर ऑफ सिंगल रूम डेज
है ना। इक्विवेलेंट नंबर ऑफ सिंगल रूम डेज बोलो कितना आएगा, 290 इंटू 360, हाउ मच? इतना रूम डेज आ गया। अब कंपोजिट हुआ, इसमें इक्विवेलेंट भी यूज होगा फिर डे से मल्टीप्लाई होगा। बिना इक्विवेलेंट के ये होगा ही नहीं इसमें। जिसका फेयर सबसे कम है उसके बेसिस पे हम लोग कन्वर्ट कर लिया भाड़ा, रूम का भाड़ा। उल्टा भी कर सकते थे, 18 ट्रिपल रूम मतलब 18 ट्रिपल रूम, 40 डबल रूम मतलब हाफ कर देंगे, क्योंकि इसका दुगना है ना। तो 40 डबल रूम मतलब 20 ट्रिपल रूम, और 100 सिंगल रूम को डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 20 ट्रिपल रूम, तो 20 20 18, 58 ट्रिपल रूम आ जाता। और देखो 290 को डिवाइड बाय 5 करो, देखो 58 ट्रिपल रूम ही आएगा। नोट टू, सर्विस कॉस्ट स्टेटमेंट, ठीक है? लाइन से बताओ, स्टाफ सैलरी फटाफट बताओ तो देख देख के। रूम, वेजेस 4 लाख, हाँ, लाइटिंग 2 लाख 15, हाँ, एक 1,83,500, क्या क्या, हाँ 24 कितना हो गया रेंट? कितना आ रहा है?
26,41,000। तो ये 75% है एड प्रॉफिट, कमीशन को प्रॉफिट में जोड़ लिया, तो 26,41,000 अगर 75 है तो 25 प्रॉफिट कितना होगा करो। एट लाख 3,33,33 यही आ रहा है ना, ठीक है। अब टोटल करो, ये आ रहा है 35,21,333 राइट। रूम रेंट पर डे पर सिंगल रूम 35,21,333 डिवाइडेड बाई 104,400 कितना रहा बोल। 4,400 रूम डे से डिवाइड कर रहे हैं इसलिए ये पर डे होगा और पर सिंगल रूम होगा 33.73। रूम रेंट पर डे पर डबल रूम जो भी आया इसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना 84.,  जो भी आया उसको डबल कर दो, जो भी 66 जो भी लेना, ठीक है। ये बहुत सिंपल था, बेसिकली अपने को इक्विवेलेंट टर्म्स में निकालना है फिर रूम डेज निकालना है। बुक में वो एक्सएक्स लेके किया आप कर सकते हैं, वैसे दरकार नहीं है, अल्टीमेटली यही आएगा। देख लीजिए ठीक है। चलिए अब ये सीजन ऑफ सीजन का चक्करबाजी है यहां पे, पढ़िए। होमवर्क हाँ छोड़ दें, इसको तो कंप्लीट करेंगे फिर अगला दिन दूसरा लेंगे।
A lodging home is being run in a small hill station with 100 single rooms. ठीक है, ऑफर कंसेशनल रेट ड्यूरिंग 6 ऑफ सीजन मंथ्स, आधा भाड़ा लेता है, इसका मार्जिन है 20%। एक महीना में 30 दिन, तो 6 महीना हो गया 180। तो पूरा साल हो गया 360। ठीक है, सीजन में 80% ऑक्यूपेंसी है, इसमें 40% है। ₹200 लाख में 80% बिल्डिंग है, 160 लाख का बिल्डिंग है, 40 लाख का फर्नीचर है, डेप्रिसिएशन निकालने में दिक्कत नहीं आएगा, ये सब हमारा खर्चा है। देखो बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन 5%, तो 160 लाख का 5%, और फर्नीचर का है 15%। तो 160 लाख का 5% कितना होगा? 8 लाख, और ये आएगा 6 लाख। ठीक है ना, रूम अटेंडेंट को हम लोग वेरिएबल पेमेंट करते हैं, ₹10 पर रूम डे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेज ऑफ ऑक्यूपेंसी। अभी टाइम है, पढ़ ले। और लाइटिंग चार्जेस भी चेंज है थोड़ा, देखो ₹120 पर रूम का है, लेकिन विंटर में ₹30 पर रूम आता है। तो ये एक टाइप का वेरिएबल पेमेंट हो गया, ये एक टाइप का वेरिएबल पेमेंट होगा। चिंता वाला कोई बात नहीं, हो जाएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट रूम रेंट चार्जेबल पर डे ड्यूरिंग द सीजन एंड ऑफ सीजन ऑन द बेसिस ऑफ फोरगोइंग इंफॉर्मेशन। चले आइए,
है, 100 रूम है, 40% ऑक्यूपेंसी है, 180 दिनों के लिए कितना आएगा बोलो। हम्म, 48,000, 14,600, 14,600। ठीक से बोलो, मजाक मत करो। 7,200 रूम डे, पीक सीजन 80% ऑक्यूपेंसी है, 180 दिन, इक्कीस 600 आया रूम डेज, इसका बड़ा हाफ है, तो ये एक्स है तो ये 2x है, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ रूम डेज ऑन द बेसिस ऑफ ऑफ सीजन रेट। ऑफ सीजन रेट के हिसाब से बताओ, ये 7,200 ही होगा, कितना 36,000 रूम डेज, ये इक्विवेलेंट नंबर ऑफ रूम डेज है। ऑफ सीजन में हम आधा भाड़ा लेते हैं, सर फिर ये वाला क्यों निकाले हैं? क्योंकि अटेंडेंट जो चार्ज कर रहा है वो रूम डे के बेसिस पे कर रहा है, सफाई करना है, झाड़ू निकालना है, रूम का साइज 100 बाय 100 स्क्वायर फीट का है, एक बेसमेंट व्यू है और एक का वैली व्यू है। पहाड़ी इलाका में जब जाओगे ना, एक तुमको रास्ता का व्यू मिलेगा जो मॉल रोड वगैरह का व्यू है, और एक तुमको वैली व्यू मिलेगा। लेकिन अटेंडेंट को क्या फर्क पड़ता है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहां पे। ठीक है ना? तो अटेंडेंट का जो वेजेस है और ये रेवेन्यू ऑब्लिक कॉस्टिंग, जो बोलना है बोल लो, ओवरऑल क्लियर। देखिए, ये लोग फुल के बेसिस पे किया है, हम लोग ऑफ सीजन के बेसिस पे किया है। रूम डेज इनका 21,600 आ रहा है, 6 महीने का 180 दिन, इसमें हम लोग लिख सकते हैं 36,000 रूम डेज ऑन द बेसिस ऑफ
ऑफ सीजन रेट, क्लियर? अब यहां पे लाइटिंग चार्जेस को लेके एक क्वेश्चन है, ये समझना बहुत जरूरी है हम लोगों को। लाइटिंग चार्जेस 8 महीने का 120 और विंटर सीजन है 30 पर मंथ, और पीक सीजन ऑफ सीजन भी दिया हुआ है 6-6 महीने का। अब मुद्दा यह है कि विंटर ऑफ में आएगा कि पीक में आएगा। आज रूम भाड़ा नहीं हुआ तो लाइटिंग चार्जेस लगेगा क्या? यहां अगर क्लास नहीं होगा एसी चला के रखूंगा? सोच के देखो, 12 महीने का टाइमलाइन है, ईयर बोला है क्या? एक बार देख लेते हैं, ईयर 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 वियर कुछ नहीं बोला है। राइट, 6 महीना 12 महीना ऑफ कौन सा, पीक कौन सा? हिल स्टेशन बोला है तो ये लोग अज्यूम कर लिया। हालांकि मैं आपको बताऊं, नॉर्मल कॉन्सेप्ट ये बोलता है गर्मी में लोग हिल स्टेशन जाते हैं, ठंडी में लोग बीच जाते हैं, उल्टा करते हैं। सर्दियों में कुछ कुछ एरिया बंद हो जाता है, बात अलग है, राइट, जो बहुत ज्यादा हाइट पे है, लेकिन विंटर पे भी लोग जाते हैं हिल स्टेशन, पूरा फुल पैक्ड रहता है। बीइंग हिल स्टेशन अगर हम नॉर्मल नोशन से जाएं तो ये ऑफ सीजन माना जाएगा और ये ऑन सीजन माना जाएगा। राइट, और इधर में मैं विंटर मानूंगा 4 महीना ऑफ सीजन में, मतलब नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, इफ आई गो बाय दिस अप्रैल टू मार्च वाला कॉन्सेप्ट। तो यहां पे 100 रूम है, यहां पे डे वाइज नहीं है, रूम डेज नहीं निकालेंगे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के लिए। 100 रूम है, 6 महीना 80% ऑक्यूपाइड होगा, पर मंथ 120 करके लगेगा। ऑफ सीजन में भी 100 रूम है, 2 महीना 40% ऑक्यूपेंसी, 120 करके लगेगा नॉन विंटर। 100 रूम है, 4 महीना 40% ऑक्यूपेंसी, लेकिन 30 रुपया करके लगेगा मंथली। आई गेस दिस इज एब्सोल्युटली फाइन विथ ऑल ऑफ यू।
तो ये पूरा आपके assumption पे टिका हुआ है ये चीज। ऑफ सीजन में नॉन विंटर, विंटर हो गया 6 महीना, बताइए कितना आ रहा है कैलकुलेट करके। कितना हो रहा है 72। तो ये मेरा नोट वन हो गया, इसको नोट टू पकड़ लो। हाँ हो गई, हो सकता है, कोई दिक्कत का बात नहीं है इसमें। हाँ डिबेटेबल है ना, ये हिल स्टेशन मतलब विंटर ऑफ सीजन, नॉर्मल नोशन यही बोलता है। जिस आदमी से भी पूछोगे यही जवाब देगा वो। ठीक है, सर्विस कॉस्ट स्टेटमेंट करो। डेप्रिसिएशन 14 लाख, ठीक है। चलो बताओ सारा खर्चा बताओ, स्टाफ सैलरी, कितना 5 50। एक 90। हो गया। अच्छा अब अटेंडेंट वेजेस 10 रुपीज है, और नॉर्मल वाला रूम डे लेंगे। कितना 22,000। बोल भैया 29 लाख। वेरी गुड।
अब अपने सिंपल करेंगे, अगर प्रॉफिट 20% चाहिए मतलब ये 80% है, ट्वेंटी नाइन फोर्टी फोर एट हंड्रेड डिवाइड बाई 18 to 20, बोलो टोटल रेवेन्यू 36,81,000, रूम रेंट ड्यूरिंग ऑफ सीजन 36,81,000 बाई 36,000, बोलो 102 पॉइंट, ये पर डे आ गया, रूम रेंट ड्यूरिंग ऑन सीजन इसका ठीक डबल, कितना रहा ये लोग फुल का निकाला था फिर उसके बाद आधा कर लिया, हम लोग डबल कर लिया। ठीक है, सो बाकी का हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे, और भी डिफरेंट सर्विस सेक्टर है, हॉस्पिटल्स है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उसका हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे।